राष्ट्रपति सामी हसन जी दोनों देशों के डेलीगेट्स मीडिया के साथियों नमस्कार सबसे पहले मैं राष्ट्रपति और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी भारत की पहली यात्रा है किंतु वे भारत और भारत के लोगों से लंबे अरसे से जुड़ी हुई है भारत के प्रति उनका यह लगाव और प्रतिबद्धता हमें हर क्षेत्र में हमारे संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं अफ्रीकन यूनियन के जी ट्वेंटी में स्थायी सदस्य के रूप में जुड़ने के बाद पहली बार हमें किसी भी अफ्रीकन हेड ऑफ स्टेट का भारत में स्वागत करने का अवसर मिला है इसलिए इस यात्रा का महत्व हमारे लिए कई गुना बढ़ जाता है फ्रेंड्स आज का दिन भारत और तंजानिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे तंजानिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा और करीबी डेवलपमेंट पार्टनर है भारत ने आईसीटी सेंटर्स वोकेशनल ट्रेनिंग डिफेंस ट्रेनिंग आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से तंजानिया की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वाटर सप्लाई कृषि स्वास्थ्य शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम करते हुए हम दे तंजानिया के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया है इसी प्रतिबद्धता से हम आगे भी अपने प्रयत्न जारी रखेंगे आईआईटी मद्रास द्वारा जांजीबार में कैंपस खोलने का निर्णय हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है यह केवल तंजानिया के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय देशों के छात्र छात्राओं के लिए भी हाई क्वालिटी एजुकेशन का हब बनेगा दोनों देशों की विकास यात्रा का एक बड़ा आधार टेक्नोलॉजी है आज डिजिटल पब्लिक गुड्स शेयरिंग पर हुए समझौते से हमारी साझेदारी को बल मिलेगा मुझे खुशी है कि यूपीआई की सक्सेस स्टोरी को तंजानिया में अपनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं फ्रेंड्स रक्षा के क्षेत्र में हमने फाइव ईयर रोड मैप पर सहमति बनाई है इसके माध्यम से मिलिट्री ट्रेनिंग मैरी कोऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग डिफेंस इंडस्ट्री जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़ेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और तंजानिया के बीच करीबी सहयोग रहा है भारत में तेजी से बदल रहे क्लीन एनर्जी लैंडस्केप को देखते हुए हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मिलकम काम करने पर सहमति व्यक्त की है मुझे खुशी है कि तंजानिया ने भारत द्वारा जी ट्वेंटी समिट में लॉन्च की गई ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है साथ ही तंजानिया द्वारा लिए गए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस से जुड़ने का निर्णय से हम बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को सशक्त कर सकेंगे आज हमने स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को जनकल्याण के लिए इस्तेमाल करने पर बल दिया इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस इनिशिएटिव्स की पहचान करते हुए हमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है फ्रेंड्स आज हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरिटाइम सिक्योरिटी पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है फ्रेंड्स हमारे संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे मजबूत और सदियों पुराने पीपल टू पीपल टाइज हैं गुजरात के मांडवी पोर्ट और जंजीबार के बीच 2000 साल पहले व्यापार किया जाता था भारत की सीधी ट्राइब का ओरिजिन ईस्ट अफ्रीका के जान कोष पर हुआ आज भी बड़ी मात्रा में भारत के लोग तंजानिया को अपना दूसरा घर बांधते हैं उनकी देखरेख के लिए तंजानिया से मिल रहे समर्थन के लिए मैं राष्ट्रपति हसन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ योग के साथ साथ कबड्डी और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी भी तंजानिया में बढ़ रही है हम दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी नजदीकियाँ बढ़ाने के प्रयास जारी रखेंगे एक्सलेंसी एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद